So the chapter that we are taking up today is dividend policy. So please write down the heading. The unit that we are taking up today is dividend policy. Now dividend policy is denoting the amount of dividend that is to be paid to the investors and how much amount is to be retained by the company for further growth and expansion plans. Remember, every shareholder expects two types of returns: capital gain and another dividend. So har jo bhi investor hoga wo do cheeze expect karta hai ki uske amount par capital gain kitna ho raha hai aur usko dividend kitna mil raha hai. Now this particular concept dividend policy ye help karta hai ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स में से, अपने प्रॉफिट्स में से कितना हिस्सा दो डिविडेंड की फॉर्म में बांट देना चाहिए और कितना पोर्शन अपने पास रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स, एक्सपेंशन प्रोग्राम्स. तो डिविडेंड पॉलिसी इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल्स. वन इज वॉल्टर्स मॉडल and another is Gordon model. There is one more MM model, Modigliani-Miller approach, but that we will be discussing later. We are going to discuss these two most important models. One is Walter's model, another is Gordon model. Now the concept says that both these, you know, models suggest that jab bhi rate of return, whenever it is greater than cost of equity capital, जब भी rate of return greater होगा cost of equity capital से, उस company को माना जाता है growth company और उसका dividend payout ratio it should be zero. Whenever the return of a company is greater than cost of equity, KE का मतलब है cost of equity या फिर capitalization rate, इससे greater होगा तो उसको growth rate, growth company माना जाता है और उसका dividend policy रहता है dividend payout ratio should be zero, the whole amount should be kept for further growth and expansion plans. But if the return is less than cost of equity, that firm is called as a declining firm और उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो इट शुड बी 100%. मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, जितना भी ईपीएस है, उस पूरे के पूरे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए इन केस इफ रिटर्न इज ग्रेटर देन के, बिकॉज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कि वहां पर जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो पूरे के पूरे मिल जाने चाहिए, नहीं तो ऑल द इन्वेस्टर्स विल यू नो रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो जब भी कोई डिक्लाइनिंग फर्म होगी, डिक्लाइनिंग कब होती है, जब भी रिटर्न लेस होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%. बट इफ रिटर्न इज इक्वल टू के ई, तो दैट पर्टिकुलर फर्म इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल फर्म और नॉर्मल कंपनी, और उसके अंदर चाहे आप डिविडेंड दें या नहीं दें, वो अनअफेक्टेड एंड अनचेंज्ड ही रहती है मार्केट प्राइस. क्योंकि अगर आप इसी ग्रोथ फॉर्म के अंदर डिविडेंड देना स्टार्ट कर देंगे तो कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो डिक्लाइन करने लग जाती है. अगर आप किसी कंपनी में जिसका रिटर्न लेस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो कि डिक्लाइनिंग फर्म है, उसके अंदर अगर आप डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड कम करते जाएंगे, तो फिर से शेयर की वैल्यू डिक्लाइन कर दी जाएगी. तो आपको ये याद रखना है कि रिटर्न अगर ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, वो फर्म ग्रोथ फर्म है और उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहना चाहिए जीरो. अगर रिटर्न लेस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, उस फर्म को बोला जाता है डिक्लाइनिंग फर्म और उसके अंदर डिविडेंड पे आउट रेशियो रहना चाहिए 100%. और अगर रिटर्न इक्वल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, दैट इज अ नॉर्मल फर्म, तो चाहे आप डिविडेंड दें या ना दें, वो जो वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर है वो अनअफेक्टेड रहेगी, अनचेंज रहेगी. ये सीखेंगे आप इन दोनों मॉडल्स में, वॉल्टर्स एज वेल एज गॉर्डन मॉडल. तो पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज वॉल्टर्स मॉडल और इसके अंदर वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालने का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा. इट इज बी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डिविडेंड
अपॉन के ई। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन दिस फॉर्मूला अंडर द हेडिंग वॉल्टर्स मॉडल। किसी भी शेयर की वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालनी हो, आइडिया पी से भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डी। डी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, डिविडेंड पर शेयर। डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पर शेयर। के ई का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसका एक दूसरा नाम भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा नाम कैपिटलाइजेशन रेट, राइट। कभी भी आप लोगों को कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा हो, डिस्काउंट रेट भी दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा हो, वो सब के सब यहाँ पर के ई को डिनोट करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर जिनके बारे में बात हो रही है, दे आर ऑल इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स की ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट किया जाएगा के ई से। आर का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, रेट ऑफ रिटर्न। आर ओवर हियर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ रिटर्न। एंड ईपीएस, ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग्स पर शेयर, राइट। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर। अब अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डायरेक्टली गिवन होगी क्वेश्चंस में, तब तो इनकी वैल्यूज प्लेस कर ही लेंगे। नहीं गिवन हो तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें याद रखिएगा। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, ईपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इनटू रेट ऑफ रिटर्न। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देन डिविडेंड या डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिनोट करने का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये या तो गिवन होगी आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल नहीं गिवन होगी तो एक और फॉर्मूला यूज करते हैं आप, वन अपॉन पीई रेशियो इनटू 100। पीई का फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो के ई अगर गिवन है वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, वन अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो का, राइट। नंबर फाइव, तो आपको डिविडेंड का पता लग गया फॉर्मूला, के ई का आर रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा, जो भी टोटल अर्निंग्स है उनको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म। जो भी आपकी अर्निंग्स है उसको डिवाइड कर दीजिएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट, जो आपने इक्विटी कैपिटल लगाया हुआ है इनटू 100। सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो दिस इज द वॉल्टर्स मॉडल और ये उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। इन सब कॉम्पोनेंट्स को निकालने के फॉर्मूले याद रखिएगा, ईपीएस टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उसके बाद आर रेट ऑफ रिटर्न टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म। नाउ वी स्टार्ट विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आपको कोई सारे टर्म्स पता लग गए, आपको डिविडेंड पॉलिसी पता लगेगी, जब भी रिटर्न ग्रेटर होगा केई से ग्रोथ कंपनी माना जाएगा डिविडेंड पेआउट रेशियो शुड बी जीरो, रिटर्न लेस होगा केई से डिविडेंड पेआउट रेशियो शुड बी 100%, और रिटर्न अगर इक्वल है तो वो नॉर्मल फॉर्म है, तो आप अगर उसमें डिविडेंड दे या ना दे, मार्केट प्राइस जो शेयर की होगी वो सेम रहेगी, वो अनचेंज रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट बाय सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्लीज ओपन अप योर हैंडआउट्स एंड टेक अप क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस स्टार्ट दिस वन। सबसे पहले तो डिटेल्स बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें डेटा दे रखा है। एबीसी लिमिटेड अर्न ₹5 पर शेयर इज कैपिटलाइजेशन। एबीसी कंपनी अर्न, तो ईपीएस दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर ₹5। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, कैपिटलाइजेशन एट द रेट ऑफ 10%। तो कैपिटलाइजेशन रेट, कभी भी कैपिटलाइज्ड रेट लिखा हो, कैपिटलाइजेशन रेट लिखा हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, वो के ई को डिनोट करेगा। कितना दे रखा है, 10%। एंड एज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 18%। रेट ऑफ रिटर्न इज 18%।
Okay, what else? Part one is what should be the price per share at the 25% dividend pay ratio? Dividend payout ratio is 25%. तो सबसे पहले हम dividend निकाल लेंगे. 25% आप pay कर रहे हैं of rupees 5. 5 रुपए में से 25% आप dividend pay कर रहे हैं, तो dividend कितना हो जाएगा इस question में? 1.25. 5 रुपए का 25% निकाल लिया, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.25. अब डिविडेंड आ गया आपके पास, ईपीएस दे रखा है, रिटर्न है और के ई है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकाल देंगे. वो आ जाएगी डिविडेंड, पहले तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डी अपॉन के ई. नाउ डिविडेंड इज 1.25, के ई का वैल्यू था 10%. 10% कैसे लिखा जाएगा? 0.10. देन रेट ऑफ रिटर्न ये दे रखा था 18%, मतलब 0.18 अपॉन के ई था 0.10. ईपीएस, ईपीएस था इस क्वेश्चन में 5, उसमें से 1.25 का तो आपने डिविडेंड पे कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 0.10. सबसे पहले तो 1.25 को 0.1 से डिवाइड करिएगा, क्या हो जाएगा? 12.5, राइट. उसके बाद 0.18 को 0.10 से डिवाइड किया, ये हो गया 1.8 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3.75 डिवाइडेड बाय 0.10. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1.8 को 3.75 से मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दो 0.10 से, 67.5. तो 12.5 प्लस 67.5 क्या आ रही है वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज 80 रुपीज. तो प्राइस ऑफ द शेयर वॉल्टर मॉडल अप्लाई करके आ रही है रुपीज 80, राइट. अब सेकंड पार्ट जब पूछा गया है आपसे, इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, इज दिस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फर्म कौन सी है, ग्रोथ फर्म है या डिक्लाइनिंग फर्म है, नॉर्मल फर्म है. ध्यान दीजिएगा, रिटर्न है 18%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%. रिटर्न आपका ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. व्हाट इज द रिटर्न, दैट इज 18% इज ग्रेटर देन 10% जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. तो इसका मतलब ये वाली फर्म कौन सी हो गई, ग्रोथ फर्म. और ग्रोथ फर्म का वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग डिविडेंड पॉलिसी है कि पे आउट रेशियो शुड बी जीरो. जब आपकी फर्म ग्रोथ है तो आपको पैसा चाहिए उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था यहाँ पर 25%. तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा, सिंस दिस इज अ ग्रोथ फर्म सो द डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी इक्वल टू जीरो. यहाँ पर जो पे आउट रेशियो है इस कंपनी का वो हो जाना चाहिए जीरो. तो दिस इज नॉट एन आइडियल पे आउट रेशियो बिकॉज ओवर हेयर द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%, which is not an ideal payout ratio. The dividend payout ratio should be equal to zero because this is a growth firm. Clear hai ye? Note kar lijiyega. Then we are going to proceed further on the next question. Next, question number 3. Now we are going to start with question number 3. Yahan par do firm de rakhi hai hame. Dono firm ke data ko analyze karna hai. Right? So let us see. What data is given to us? और इस क्वेश्चन में मॉडल कौन सा लगा है? वॉल्टर मॉडल लिखा हुआ है, वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में दो फर्म है, नाम क्या है इनके? एबीसी एंड एक्सवाईज. पहली फर्म है एबीसी और दूसरी फर्म है यहां पर एक्सवाईज, राइट. रिमेंबर बोथ दीज फर्म्स, एक्स वाई जेड. क्या डेटा दिया हुआ है एबीसी का? अर्निंग पर शेयर 10 रुपीस फॉर बोथ फर्म्स. ईपीएस 10 रुपीस है एबीसी का भी और ईपीएस एक्स वाई जेड का भी रुपीस 10 है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के ई 12% फॉर एबीसी एंड 12% इज फॉर और इसका भी 12% है. कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15% फॉर बोथ. रिटर्न इज 15% फॉर बोथ. तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों की दोनों ग्रोथ फर्म्स हैं. रिटर्न डिविडेंड पर शेयर ये ज्यादा है यहाँ पर. रिटर्न दोनों कंपनियों का 15% है जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ग्रेटर है.
तो आपको याद रखना रिटर्न ग्रेटर होगा तो उस फर्म को माना जाएगा ग्रोथ फर्म। हाँ आगे डिविडेंड पर शेयर इज 8 रुपीज। 8 रुपीज तो है एबीसी का, 5 रुपीज फॉर एक्सवाईजेड और 5 रुपीज है एक्सवाईजेड। हालांकि ये ग्रोथ फर्म है तो दोनों कंपनीज का डिविडेंड पेआउट रेशियो 0 होना चाहिए, और अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो प्राइस ऑफ द शेयर फिर कम होती जाएगी। और आप आगे चलकर आप देखेंगे इस कंपनी का डिविडेंड है 5 रुपए और इसका है 8 रुपए, दोनों ही ग्रोथ फर्म है, तो जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतनी कम वैल्यू होती जाएगी कंपनीज के शेयर की, विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व लेटर। लेकिन और कुछ इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन? दैट्स इट। तो ठीक है, अब आगे निकालना क्या है इसके अंदर, पढ़िएगा इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन। डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल आपको डिसाइड करनी है इस कंपनी के शेयर की प्राइस, दोनों ही कंपनीज की। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो वॉल्टर्स मॉडल, जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, भी वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या सिंपली प्राइस ऑफ द शेयर। फॉर्मूला याद रखिएगा डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय के ई। तो इस कंपनी का डिविडेंड है 8 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.12। देन रिटर्न, रिटर्न है 15%, दैट इज 0.15 अपॉन 0.12। ईपीएस था, ईपीएस है इस क्वेश्चन का 10 रुपीज और डिविडेंड है 8 रुपीज अपॉन के ई 0.12। तो सबसे पहला काम 8 को डिवाइड करिए 0.12 से और बताइए क्या वैल्यू आ रही है, 66.666। 8 डिवाइडेड बाय 0.12 66.666, तो 66.67 हो जाएगा अगर इसको दो प्लेस तक लें। नेक्स्ट 0.15 को डिवाइड करिएगा, कितना 1.25, 10 माइनस 8 हो जाता है 2 अपॉन 0.12। तो 1.25 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय 0.12 20.83 आ जाएगा। अब सॉल्व करिएगा 66.67 प्लस 20.83 87.5 के आसपास आ रहा है, जस्ट चेक दी आंसर 87.5। ये तो आ गया है एबीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू जिसमें डिविडेंड था ज्यादा, इसका डिविडेंड कम कर दिया। तो आप देखेंगे जैसे जैसे डिविडेंड कम होता जाता है कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली कभी आप डिविडेंड पे आउट जीरो कर दें, डिविडेंड अगर जीरो जाएगा तो कंपनी के शेयर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, पहले तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला याद रखिएगा डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डिविडेंड पर शेयर अपॉन के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहले डिविडेंड है केवल 5 रुपए अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 12% 0.12 प्लस रिटर्न है 15% 0.15 बाय 0.12। राइट, वैल्यूज प्लेस करना शुरू किया, ईपीएस है 10 रुपए उसमें से डिविडेंड रह गया केवल 5 रुपए और इसको डिवाइड कर देंगे 0.12 के ई से डिवाइड करना है तो के ई जितनी जितनी जगह है सब जगह पर आप 0.12 प्लेस कर देंगे। अब आप सबसे पहले 5 को डिवाइड करो 0.12 से, 5 डिवाइडेड बाय 0.12 41.67। अब उसके बाद 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 वो पहले जैसे ही आ जाएगा 1.25, 10 माइनस 5 हो गया 5। अब आपको क्या करना है, पहले 1.25 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 1.25 इनटू 5 6.25 डिवाइडेड बाय 0.12 52.083 ऐड कर दीजिए 41.67 93.753 के आसपास आ रही है। एंड जस्ट चेक योर आंसर्स और ये ऑब्जर्वेशन भी ध्यान रखना, जैसे ही हमने डिविडेंड कम किया तो कंपनी के शेयर की वैल्यू जंप कर गई और 87 से जंप करके वो इंक्रीज कर गई और 93.75 पे पहुंच गई।
ये बताता है वॉल्टर्स मॉडल हमें कि जैसे जैसे डिविडेंड को आप कम करते जाएंगे और अल्टीमेटली कभी आप डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो कर देंगे तो कंपनी के शेयर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और यही कंसेप्ट है ग्रोथ फर्म का कि अगर फर्म ग्रोथ है, ग्रो करती हुई है, जिसका रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो वहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी जीरो। आपको पे आउट रखना ही नहीं है वहां पर, ताकि जो अमाउंट है उसको रिटेन करके कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स में उसको इन्वेस्ट किया जा सके। राइट, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन। नोट हो गया, ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको स्टार्ट करते हैं, नंबर 6, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं, बताइएगा क्या क्या डेटा गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। एबीसी लिमिटेड वाज स्टार्टेड एन ईयर बैक विद अ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीस। इक्विटी कैपिटल, सबसे पहले तो इस कंपनी में एक पेड अप इक्विटी कैपिटल है 40 लाख की। राइट, एक तो ये फैक्टर ध्यान रखना है आपको। Then what else? Earning of a company is 4 lakh rupees. तो total earnings जो इस company की है वो है 4 lakhs. Now total earnings if they are rupees 4 lakhs. Dividend paid is 3,20,000. Dividend paid is 3,20,000. So these are all figures which are given to us. Price earning ratio is 12.5. Price earning ratio is rupees 12.5. Number of shares is 40,000. Number of equity shares they are 40,000. Then what else? Nothing. That's it. निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? You are required to find out the dividend payout ratio or dividend payout ratio, एक तो ये निकालना है। Also calculate the market price of the share. तो market price of the share model का नाम लिखा है Walters या Walters model से निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो Walters model, उसके अंदर formula याद रखिएगा, D upon KE plus R upon KE इंटू ईपीएस माइनस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय केई। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अब इसके अंदर ज्यादातर चीजें हमें खुद निकालनी है। तो विल स्टार्ट, पहला फैक्टर है इसमें डी, डिविडेंड। अब डिविडेंड को निकालने का ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, टोटल डिविडेंड पेड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे किया है आपने 3,20,000, 3,20,000 का डिविडेंड पे कर चुके हैं, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है? 40,000, 8 रुपीज, तो आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा रुपीज 8, 3,20,000। अगर 40,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो हर एक के हिस्से में कितना आ जाएगा? 8 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद EPS, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी टोटल अर्निंग्स ऑफ दी फर्म है उनको डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अर्निंग्स थी हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 लाख, 4 लाख, और इक्विटी शेयर होल्डर्स है 40,000, तो EPS क्या हो गया? अर्निंग पर शेयर आ गई 10 रुपए। नेक्स्ट डी आ गया हमारे पास, ईपीएस आ गया, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का एक फॉर्मूला आप लोगों को पहले बताया गया है और वो होता है 1/ प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू 100। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 12.5, राइट? तो 1/ पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 1/12.5 इनटू 100 किया, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है? 8%। और रेट ऑफ रिटर्न आर की वैल्यू आ जाती है जो भी टोटल अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू 100।
तो आपने 40 लाख रुपए लगाए और उसके ऊपर अर्निंग मिली 4 लाख की, राइट? 4 लाख इज द अर्निंग डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो आपकी इक्विटी कैपिटल यहां पर आ जानी चाहिए 10%, राइट? 4 लाख रुपए आपने अर्न किए 40 लाख लगाकर, 40 लाख लगाकर 4 लाख रुपए कमाए आपने, तो आपकी अर्निंग्स जो आपका रिटर्न है वो कितना हो गया? 10%. Now we are going to place all these values. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में डिविडेंड था, डिविडेंड पर शेयर वाज 8, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आई है 8%, मतलब 0.08, रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 10%, यहां पर आया था 10% पर लिखा है 0.10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.08, EPS अर्निंग पर शेयर था इस क्वेश्चन में 10 रुपीज, और डिविडेंड पर शेयर DPS डिविडेंड पर शेयर आया हमारे पास 8 रुपीज, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी थी 8%, यानी कि 0.08. तो अभी हमने क्या किया, जो डिविडेंड पर शेयर है 8 रुपीज प्लेस कर दिया यहां पर, डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 8%, उसको रख दिया 0.08, राइट? आर रेट ऑफ रिटर्न था 10%, जो कि यहां पर कैलकुलेट किया था, रेट ऑफ रिटर्न 10% को लिखा गया 0.10, के ई सभी जगह पर 0.08 आ जाएगा, ईपीएस था क्वेश्चन में 10 रुपए और डिविडेंड पर शेयर था 8 रुपए, तो ईपीएस 10 और डिविडेंड पर शेयर 8 रुपीज प्लेस किया. सबसे पहले तो 8/0.08 किया 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 0.10/0.08 0.125, ये शायद 1.25 आ रहा होगा, दोबारा कीजिएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 1.25 10 माइनस 8 होता है 2, और इसको 0.08 से डिवाइड करिएगा, 1.25 इनटू 2 जो जाएगा 2.5, 0.08 से डिवाइड करिएगा इसको 31.25, फाइनल आंसर हो गया रुपीज 131.25. ये आ गई इस कंपनी की शेयर की प्राइस 131.25. अब आपको ये बताना था क्या ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये ऑप्टिमम है या नहीं है. अब एक चीज पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, यहां पर रिटर्न आ रहा है 10%, राइट? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8%. Now, return is 10%, cost of equity है 8%. इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गई ग्रोथ फर्म, और ग्रोथ फर्म का डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 0, राइट? ये बिगनिंग में बताया था, जब भी किसी कंपनी का रिटर्न ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से उस कंपनी को माना जाता है ग्रोथ फर्म, और उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 0. यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप अपनी ईपीएस 10 रुपए में से 8 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, राइट? तो 10 रुपए में से 8 रुपए आपने बांट दिया, तो यहां पर पे आउट रेशियो कितना हो गया 80%, राइट? डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकल कर आ गया आपका, जो पे आउट रेशियो है 8 रुपए अगर आप 10 रुपए में से बांट रहे हैं तो टोटल पे आउट रेशियो कितना हो गया आपका 80% हो गया. इसका मतलब ये पे आउट रेशियो ऑप्टिमम नहीं है, द पे आउट रेशियो शुड बी 0. अगर वो 0 रखते तो हो सकता है कंपनी की प्राइस जो शेयर की होती वो और ज्यादा होती. यहां पर आपने डिविडेंड 8 रुपए बांटा है विच इज नॉट एन आइडियल पे आउट रेशियो, बिकॉज इफ द रिटर्न इज ग्रेटर, रिटर्न में 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8%. व्हेनेवर द रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी द कंपनी इज कॉल्ड एज ग्रोथ फर्म, और उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहना चाहिए हमेशा 0, व्हिच इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर. यहां पर आपकी ईपीएस अर्निंग्स थी 10 रुपीज, डिविडेंड जो बांट रहे हैं आप 10 रुपए में से 8 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट मींस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 80%, सो इट इज नॉट एन आइडियल पे आउट रेशियो, राइट? नोट कर लीजिएगा ऐसे. फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं वॉल्टर्स मॉडल का, तो उससे आपके वॉल्टर्स मॉडल के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे. काइंडली टेक इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. ओके, वन मोर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइएगा.
क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर? कैपिटलाइजेशन रेट के ई इज 10%. कैपिटलाइजेशन रेट के ई इट इज 10%. अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस, ईपीएस इज रुपीज 10. Assume the rate of returns on investment if R is in one case, first case 15%, second case 8%. First case mein return is 15%. Second is 8%. Second case R is 8%. Yes sir. And third case R is 10%. Third case R is 10%. Show the effect of dividend policy on the market price of the share using Walters model. Walters model. तो model है Walters model. लेकिन आपको ध्यान रखना है KE ये 10% रहेगा तीनों ही केस के अंदर और EPS ये रुपीस 10 ही है. लेकिन आपके पास यहाँ पर तीन अलग अलग रिटर्न दे रखे हैं. क्या है? एक तो है रिटर्न 15%, दूसरा है 8% और तीसरा है 10%. सबसे पहला केस रिटर्न 15% है ग्रेटर देन KE. अब आपको ये याद रखना है जब भी रिटर्न ग्रेटर होगा, रिटर्न इफ इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो उस कंपनी को क्या माना जाएगा? ग्रोथ फर्म. तो इसका मतलब ये वाली फर्म सबसे पहली फर्म हो गई हमारी ग्रोथ फर्म. व्हाई? Because the return is greater than cost of equity capital. Return है 15%, cost of equity है 10%. तो इसका मतलब dividend payout ratio क्या होना चाहिए? Exactly, the dividend payout ratio should be equal to zero. तो payout ratio zero है, इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? Dividend की value zero. तो अब निकालते हैं इसकी price. Price निकालने का formula ध्यान रखिएगा, D upon KE plus R upon KE EPS minus dividend upon KE. अब dividend है zero, तो zero रखा हमने. Cost of equity कितना था? 10% मतलब 0.10. R वो है 15% 0.15. KE था 0.10. EPS है हमारे पास 10 रुपए और dividend payout zero है. Zero क्यों है? क्योंकि ये वाली firm है हमारी growth firm और growth firm के अंदर dividend payout should always be equal to zero. नेक्स्ट KE 0.10 है. अब सॉल्व करते हैं 0 अपॉन 0.10 तो 0 ही हो गया. देन 0.15 को 0.10 से डिवाइड किया तो ये तो आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 0.10. तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 15 डिवाइडेड बाय 0.10 क्या आ जाएगी शेयर की वैल्यू? 150 रुपीज. तो अब डिविडेंड पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं हम. तो डिविडेंड पेआउट रेशियो जीरो था ग्रोथ फर्म के अंडर, राइट? रिमेंबर दिस वाज अ ग्रोथ फर्म. तो हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यू आ गई है वहां पर 150 रुपीज, राइट? नेक्स्ट सेकंड केस जहां पर आर है 8%. नाउ रिटर्न इज 8, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10. डिक्लाइन फर्म, करेक्ट. रिटर्न कम है यहां पर, व्हेनेवर द रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो उस फर्म को माना जाता है डिक्लाइनिंग फर्म. तो उसका डिविडेंड पेआउट रेशियो कितना रहना चाहिए? 100%. इसका मतलब जितना ईपीएस है आपको याद रखना है उतना ही डिविडेंड हो जाना चाहिए. 100% का मतलब क्या हुआ? पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है ये वाला केस हो गया डिक्लाइनिंग फर्म का और उसके अंदर पेआउट रेशियो शुड बी 100%. 100% का मतलब है जितना ईपीएस है आपका सेम उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड और डिविडेंड कितना हो जाएगा उस केस के अंदर? पूरा की पूरा 10 रुपए. ठीक है, अब वॉल्टर्स मॉडल लगाते हैं जिससे प्राइस निकल कर आएगी डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डिविडेंड अपॉन के ई. तो डिविडेंड है हमारे पास 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 10% मतलब 0.10 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न है 8%, ये हो गया 0.08. के ई था 10% 0.10. ईपीएस ये था 10 रुपीज, राइट? डिविडेंड
पूरा 10 रुपए बांट रहे हैं आप अपॉन केई, केई कितना था 0.10, सॉल्व करते थे इसको 10 अपॉन 0.10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 10 0, 0 को पूरे सबसे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, जब डिक्लाइनिंग फर्म है तो कंपनी की शेयर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी और वो रहेगी यहां पर 100 रुपीज, राइट। नेक्स्ट तीसरा, जहां पर रेट भी 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 10% है, तो जब रेट इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के तो वो फर्म नॉर्मल फर्म आएगी। तो अगर आप डिविडेंड दें या ना दें उसकी प्राइस अनचेंज रहेगी। तो ये अभी हम चेक करते हैं, इट्स अ नॉर्मल फर्म। तो हम दोनों ही केस करके देख लेते हैं इसके अंदर। अगर आप डिविडेंड 0 देते हैं तो उससे क्या नतीजा होगा, और डिविडेंड अगर 100% देते हैं उससे क्या इफेक्ट होगा। तो वॉल्टर्स मॉडल ये कहता है डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डिविडेंड अपॉन के ई। जब डिविडेंड 0 रख रहे हैं तो यहां क्या हो गया 0 अपॉन के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था 10%, रिटर्न है हमारे पास 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 10%, ईपीएस था क्वेश्चन में 10 रुपए, डिविडेंड दे रहे हैं आप 0, राइट। सॉल्व कर दीजिएगा इस पूरी इक्वेशन को, तो 0 अपॉन 0.10 तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट 0.1 अपॉन 0.1 कट कर ये 1 ही रह जाएगा, 10 माइनस 0 क्या होता है 10, और अपॉन 0.10 किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके बताइए वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है रुपीज 100, क्योंकि 100 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। एक तो ये नोट करिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं कि जब वैल्यू आप पूरी रख देंगे क्योंकि अनअफेक्टेड है वो चेक करा रहे हैं, तो अब वो यहां पर चेक कराते हैं आपको। अभी तो हमने डिविडेंड 0 दिया था, अगर डिविडेंड पूरा 100% रख रहे हैं, 100% पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड ईपीएस है 10 रुपए, पूरा की पूरा बांट रहे हैं तो डिविडेंड भी कितना हो जाएगा 10 रुपीज ही हो जाएगा। नॉर्मल फर्म की बात हो रही है यहां पर भी, अभी भी नॉर्मल फर्म का ये सेकेंड केस है। पहला केस जब डिविडेंड 0 दिया तब प्राइस निकाली, अब दूसरा केस जब डिविडेंड 100% है तब प्राइस निकालते हैं उसकी, और प्राइस क्या आएगी डिविडेंड अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ईपीएस माइनस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वॉल्टर्स मॉडल एप्लीकेबल तो यही रहेगा। अब डिविडेंड है 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये थी 10% मतलब 0.10 प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न था इस थर्ड केस में 10%, के ई भी 10%, ईपीएस 10 में से 10 माइनस कर दिया आपने, 10 में से 10 क्यों, क्योंकि ईपीएस भी 10 है और डिविडेंड पूरा 10 के 10 रुपए बांट रहे हो आप, 100% रेशियो का मतलब ये होता है 100% पे आउट, मतलब पूरा 10 के 10 रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड की फॉर्म में। तो 10 अपॉन 0.1 हो गया 100, लेकिन 10 माइनस 10 हुआ 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट 0 ही आ जाएगा, तो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 100। दिस विल बी दी फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि हमारे कंपनी के फर्म शेयर की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब पे आउट रेशियो 0 रहेगा, राइट, क्योंकि वो ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म में हमेशा पे आउट रेशियो 0 रहना चाहिए, डिक्लाइनिंग फर्म में पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए, ये डिविडेंड पॉलिसी होती है। पे आउट रेशियो 100% रखा तो यहाँ पर इस केस में वैल्यू निकल कर आ गई 100 रुपीज, और जो भी नॉर्मल फर्म होगी, नॉर्मल फर्म मतलब वो फर्म जिसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आर बिल्कुल सेम होता है, उस केस में अगर आप डिविडेंड ना दें या डिविडेंड पूरा 100% दें, वैल्यू दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम आती है। नोट कर लीजिएगा इसे।